हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शेखावटी लेक्चर। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 20वीं पशु गणना 2019 के आंकड़े जारी हुए थे। 20वीं पशु गणना 2019 के आंकड़े किस दिन जारी हुए थे? ऑप्शन है 16 सितंबर 2019 को, 16 अक्टूबर 2020 को, 16 अक्टूबर 2019 को, 16 सितंबर 2020 को। दोस्तों इसका सही उत्तर है 16 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान पशु गणना 2019, राजस्थान की कितने नंबर की पशु गणना है? ऑप्शन देखिए 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं। दोस्तों 2019 की जो पशु गणना है ये राजस्थान की 20वीं पशु गणना है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की 19वीं पशु गणना किस वर्ष हुई थी? 19वीं पशु गणना कब हुई थी? ऑप्शन है 2009 में, 2012 में, 2014 में, 2019 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर का, 2012 में। 19वीं पशु गणना 2012 में हुई थी। फिर राजस्थान में पशु गणना किसके द्वारा की जाती है? राजस्थान में पशु गणना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है पशुपालन विभाग, राजस्व मंडल, कृषि निदेशालय, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर का, राजस्व मंडल। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की प्रथम डिजिटल पशु गणना है, राजस्थान की प्रथम डिजिटल पशु गणना है? ऑप्शन है 18वीं, 19वीं, 20वीं, या राजस्थान में डिजिटल पशु गणना नहीं हुई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है थर्ड नंबर का, 20वीं। राजस्थान की वर्तमान जो 2019 में 20वीं पशु गणना हुई है ये राजस्थान की प्रथम डिजिटल पशु गणना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशु संपदा है, राजस्थान में पशु संपदा कितनी है? ऑप्शन है 5.68 करोड़, 5.01 करोड़, 6.68 करोड़, 6.01 करोड़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का, 5.68 करोड़। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान 20वीं पशु गणना 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन बताना है 20वीं पशु गणना के संदर्भ में। देखिए कथन देखिए, पहला है ये गणना 1 अक्टूबर 2018 को प्रारंभ हुई थी, ठीक है, 1 अक्टूबर 2018 को प्रारंभ हुई थी, ये कथन बिल्कुल सही है। फिर है इस गणना के आंकड़े 16 अक्टूबर 2019 को जारी किए गए थे, बिल्कुल सही है। गत वर्ष की तुलना में इस गणना में पशुओं की संख्या में 1.66% की कमी दर्ज की गई है। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। ये पशु गणना राजस्व मंडल अजमेर व पशुपालन विभाग जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में की गई है। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। तो दोस्तों मैंने सिर्फ आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए बनाया है, इसलिए इसके चारों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में प्रथम पशु गणना कब हुई थी? राजस्थान में पहली पशु गणना कब हुई थी? ऑप्शन देखिए 1950 में, 1951 में, 1952 में, या 1956 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर का, 1951 में। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में पहली बार नस्लवार पशु गणना किस वर्ष हुई थी? नस्लवार पशुओं की अलग अलग जो नस्लें होती हैं उसके अकॉर्डिंग गणना जो है पहली बार कब हुई थी? तो इसमें देखिए 2002 में, 2007 में, 2012 में, 2017 में। दोस्तों इसका सही उत्तर है 2007 में, सेकंड नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार भारत की पशु संपदा में राजस्थान का प्रतिशत है, भारत की पशु संपदा में राजस्थान का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 10.11%, 9.60%, 10.60%, या 9.12%। दोस्तों इसका सही उत्तर है तीसरे नंबर का, 10.60%। अगला क्वेश्चन देखिए, पशुधन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? पशुधन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, या चौथा। दोस्तों इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर का, यानी दूसरा स्थान है। मैं आपको ये भी बता दूं कि पशुधन की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है जबकि राजस्थान का दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन देखिए, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम पशु घनत्व वाले जिले हैं, सर्वाधिक और न्यूनतम पशु घनत्व वाले जिलों का युग्म बताना आपको। ऑप्शन देखिए डूंगरपुर व जैसलमेर, डूंगरपुर व बाड़मेर, दौसा व डूंगरपुर, डूंगरपुर व दौसा। तो
तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पहले नंबर का डूंगरपुर व जैसलमेर, यानी डूंगरपुर में राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व पाया जाता है, जबकि जैसलमेर में राजस्थान में सबसे कम पशु घनत्व पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत आलीशान है दोस्तों। देखिए 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वह न्यूनतम पशु संपदा वाले जिले, यानी सबसे ज़्यादा पशु संपदा और सबसे कम पशु संपदा राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है, तो वो जोड़ा आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, पहला है डूंगरपुर व जैसलमेर, दूसरा है बाड़मेर व धौलपुर, तीसरा है जयपुर व दौसा और चौथा है बाड़मेर व जोधपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सेकेंड नंबर का बाड़मेर व धौलपुर, यानी बाड़मेर में राजस्थान में सर्वाधिक पशु संपदा पाई जाती है और धौलपुर में राजस्थान में सर्वाधिक कम सबसे कम पशु संपदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन में गिरावट 17वीं पशुगणना 2002 में दर्ज की गई थी, इसका प्रमुख कारण निम्न में से था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहली बात तो ये है कि राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन में गिरावट कौन सी जनगणना में दर्ज की गई थी, 17वीं में, और 17वीं पशुगणना कब हुई थी, 2002 में। तो उसमें क्या किस वजह से पशु जो है सबसे कम हुए थे, ऑप्शन देखिए, पशुओं का मांस निर्यात बढ़ने की वजह से, दूसरा है किसानों में पशुपालन के प्रति अरुचि पैदा होने से, दोस्तों लिखने में मिसप्रिंट हो गया, अरुचि पैदा होने से, तीसरा है प्रशासनिक लापरवाही से, और चौथा है अकाल की वजह से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है चौथे नंबर का अकाल की वजह से। अकाल की वजह से 17वीं पशुगणना में राजस्थान के अंदर सबसे कम पशु संख्या दर्ज की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, पशुपालन डेयरी व मत्स्य पालन किस सूची का विषय है, पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन किस सूची का विषय, ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची या अवशिष्ट विषय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर का राज्य सूची का। अगला क्वेश्चन देखिए, नवीनतम पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशु घनत्व कितना है, नवीनतम पशु गणना यानी 2019 की 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशु घनत्व कितना है, ऑप्शन है 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, 162 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर या 167 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देखिए दोस्तों इसकी थ्योरी, आप क्वेश्चनों के बाद में थ्योरी पढ़ेंगे तो आपका जो टॉपिक है वो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं थ्योरी की। देखिए पशुपालन डेयरी व मत्स्य पालन राज्य सूची का विषय है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखना, पशुपालन डेयरी व मत्स्य पालन किस सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। फिर आज़ादी के पश्चात राजस्थान की पहली पशुगणना 1951 में हुई थी, दोस्तों हर लाइन में एक क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली पशुगणना कब हुई थी, 1951 में, ठीक है। राजस्थान में पहली बार नस्लवार पशुगणना 2007 में की गई 18वीं पशुगणना थी, याद रखना अच्छी तरह, राजस्थान में पहली बार नस्लवार पशुगणना किस वर्ष हुई थी, 2007 में, कौन सी पशुगणना थी, 18वीं पशुगणना थी, ठीक है। फिर है राजस्थान में 2002 की 17वीं पशुगणना में पहली बार सर्वाधिक पशुधन में गिरावट दर्ज की गई थी, जिसका प्रमुख कारण था राजस्थान में अकाल का पड़ना। इसके बाद देखिए, राजस्थान की 20वीं पशुगणना 1 अक्टूबर 2018 को प्रारंभ हुई थी, जिसके आंकड़े 16 अक्टूबर 2019 को जारी किए गए थे, दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 20वीं पशुगणना किस दिन प्रारंभ हुई थी, 1 अक्टूबर 2018 को, 20वीं पशुगणना के आंकड़े किस दिन जारी किए गए थे, 16 अक्टूबर 2019 को। फिर आगे देखिए, राजस्थान में हर 5वें वर्ष राजस्व मंडल अजमेर द्वारा पशु संगणना की जाती है, राजस्थान में पशुगणना किसके द्वारा की जाती है, राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा, ठीक है। लेकिन लेकिन राजस्थान की 20वीं पशुगणना राजस्व मंडल अजमेर व पशुपालन विभाग जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में की गई है। फिर राजस्व मंडल अजमेर की स्थापना 1 अप्रैल 1949 को की गई थी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्व मंडल कहाँ पर है, अजमेर में, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1949 को। फिर पशुपालन विभाग जयपुर की स्थापना 1957 में की गई थी, राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1957 में, राजस्थान पशुपालन विभाग का मुख्यालय कहाँ है, जयपुर के अंदर।
अब देखिए, राजस्थान की 20वीं पशु गणना प्रथम डिजिटल पशु गणना है जो पूर्णतः केंद्र पोषित है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की कौन सी पशु गणना प्रथम डिजिटल पशु गणना थी? तो उसमें आएगा 20वीं पशु गणना, और ये पूरी तरह से केंद्र वित्त पोषित है। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान की 19वीं पशु गणना 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2012 तक आयोजित की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। 19वीं पशु गणना कब हुई थी? 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2012 को। ठीक है, इस पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशु संपदा 5,77,00,000 थी। 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशु संपदा कितनी थी? 5,77,00,000। कई बार पिछली पशु गणना के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए, राजस्थान की वर्तमान 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में 5,68,00,000 पशु संपदा है। याद रखना, पिछली पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कितनी पशु संपदा थी? 5,77,00,000, और इस वर्तमान पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशु संपदा है 5,68,00,000। यानी इसका मतलब कि वह कमी आई है। तो इस पशु गणना में पशुओं की संख्या में 1.66% की कमी दर्ज की गई है। फिर देखिए, वर्तमान में राजस्थान में 5.68 करोड़ पशु संपदा है। याद रखना, वर्तमान में राजस्थान में कितनी पशु संपदा है? 5.68 करोड़, जो भारत की कुल पशु संपदा का 10.60% है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की कुल पशु संपदा का राजस्थान में कितनी पशु संपदा है? 10.60% है। राजस्थान का पशुधन में भारत में दूसरा स्थान है। हर लाइन एक क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में पशुपालन का योगदान 10% है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP में पशुपालन का योगदान कितना प्रतिशत है? तो उत्तर आएगा 10%। फिर देखिए, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशु घनत्व 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशु घनत्व कितना है? 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, जो 2012 में 19वीं गणना में 169 था। ये भी याद रखना, पिछली जो पशु गणना हुई थी उसमें राजस्थान में पशु घनत्व कितना था? 169। तो इस प्रकार गत पशु गणना की तुलना में इस पशु गणना में पशु घनत्व में 3% की कमी आई है। अब देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला है डूंगरपुर। फिर है राजस्थान में न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला, यह है जैसलमेर। ठीक है, फिर है राजस्थान में सर्वाधिक पशु संपदा वाला जिला, सबसे अधिक पशु संपदा कौन से जिले में? बाड़मेर में। फिर है राजस्थान में सबसे कम पशु संपदा वाला जिला, यह धौलपुर। तो दोस्तों, चारों लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन, 20वीं पशु गणना 2019 में राजस्थान में किस पशु की संख्या में सर्वाधिक गिरावट आई है? याद रखना, सर्वाधिक गिरावट, सबसे ज्यादा गिरावट किस पशु की संख्या में आई है? ऑप्शन है बकरी, भेड़, ऊंट, गधा। दोस्तों, इसका सही उत्तर है चौथे नंबर का, गधा। दोस्तों, गिरावट तो राजस्थान के अंदर ही चारों पशुओं, चारों के अंदर ही आई है, लेकिन सबसे ज्यादा गिरावट जो आई है वो गधों के अंदर आई है। कितनी आई है? 71.31% की गिरावट आई है। अगला क्वेश्चन देखिए, नवीनतम पशु गणना में बकरियों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? राजस्थान में बकरियों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई है गत जनगणना के अनुसार, है ना? तो देखिए, ऑप्शन 3.81%, 12.95%, 71.31% या 11.86%। दोस्तों, इसका सही उत्तर है 3.81 यानी 81%। ये इतनी राजस्थान के अंदर पिछली गणना की तुलना में वर्तमान पशु गणना के अंदर बकरियों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। राजस्थान का पशुधन, इस पे मैं दोस्तों अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, यहाँ पर सिर्फ पशु गणना के ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, नवीनतम पशु गणना के अनुसार राजस्थान में किस पशुधन की संख्या सर्वाधिक है? राजस्थान में कौन सा पशुधन सबसे ज्यादा संख्या में पाया जाता है? ऑप्शन है ऊंट, गाय, भेड़ या बकरी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है बकरी। तो देखिए, यद्यपि बकरियों की संख्या में पिछली गणना की तुलना में इस गणना में क्या हुई है? कमी हुई है 3.81% की। फिर भी राजस्थान के अंदर जो है कुल पशुधन का, राजस्थान के कुल पशुधन का 36.69% एकमात्र क्या है? बकरियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नवीनतम पशु गणना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन बताना है इसमें। देखिए ऑप्शन, गत गणना की तुलना में इस गणना में भैंस और गायों की संख्या में वृद्धि हुई है, ये सही है दोस्तों। फिर है, राजस्थान में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है, ये भी सही है। गायों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में छठा स्थान है, ये भी सही है। फिर है, राजस्थान में गायों की संख्या में 2.41% की वृद्धि हुई है, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि वर्तमान जो गणना है उसके अंदर गायों की संख्या में 2.41% की नहीं बल्कि 4.41% की वृद्धि हुई है। तो इसका सही उत्तर होगा चौथे नंबर का। अब देखिए दोस्तों, 20वीं पशु गणना 2019 के जो आंकड़े हैं वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। इन आंकड़ों को आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, इन आंकड़ों में से निश्चित रूप से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो देखिए, गोवंश का राज्य में पशुधन का प्रतिशत, मतलब राज्य में जो कुल पशुधन है उसमें से गोवंश कितने प्रतिशत है, तो मैंने यहाँ पे लगभग दे रखा है, तो लगभग 24% राजस्थान के अंदर गोवंश है कुल पशुधन का, ठीक है। अब इस गणना में उनमें कमी हुई है कि वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई है कितने प्रतिशत की, 4.41% की वृद्धि हुई है, ठीक है। और गोवंश की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है, छठा। अब आइए बकरी, तो बकरी देखिए, राजस्थान के कुल पशुधन में बकरियों का कितना प्रतिशत है, लगभग 36%। फिर इसमें वर्तमान गणना में कमी हुई है, वृद्धि हुई है कि कमी हुई है, तो कमी हुई है कितने प्रतिशत की, 3.81% की कमी हुई है। और बकरियों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है, ठीक है। फिर आइए भेड़, तो भेड़ राजस्थान के कुल पशुधन में कितना प्रतिशत है राजस्थान के अंदर, तो लगभग 13%। और इस पशु गणना के अंदर इसमें क्या हुई है, कमी हुई है कितने प्रतिशत की, 12.95% की। और भेड़ों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है, चौथा स्थान है, ठीक है। अब आइए ऊंट, देखिए ऊंट राजस्थान के कुल पशुधन में ऊंटों का प्रतिशत है 0.34%। फिर इस पशु गणना में क्या हुआ है, ऊंटों की संख्या में कमी आई है, कितनी प्रतिशत आई है, 34.69% की कमी आई है। और ऊंटों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है, ठीक है। यद्यपि कमी आई है, गिरावट आई है ऊंटों की संख्या में, फिर भी आज भी राजस्थान का भारत में ऊंटों की दृष्टि से क्या है, पहला स्थान है, ठीक है। फिर देखिए गधा, दोस्तों इसमें राजस्थान के अंदर जो कुल पशुधन उसमें गधों की संख्या कितनी, इसके आंकड़े मेरे को उपलब्ध नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको खाली छोड़ा है। फिर है, इस गणना में क्या हुई है, गधों की संख्या में कमी हुई है, कितनी, 71.3% की कमी हुई है। फिर गधों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। अब देखिए भैंस, तो भैंस राजस्थान के कुल पशुधन में भैंसों का प्रतिशत कितना है, लगभग 24%, ठीक है। फिर वर्तमान पशु गणना में भैंसों की संख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, कितनी हुई है, 5.53% की वृद्धि हुई है। और भारत में स्थान कितना है भैंसों की दृष्टि से राजस्थान का, दूसरा स्थान है। तो दोस्तों इस तालिका के माध्यम से आप इन पूरे आंकड़ों को आराम से अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। फिर देखिए 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में ऊंट गधा और बकरियों की संख्या में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। देखो तीन मतलब पशु हैं, ऊंट गधा और बकरियां, इनकी दृष्टि से राजस्थान का देश में क्या है, पहला स्थान है, याद रखना अच्छी तरह। फिर आइए 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में ऊंटों की संख्या 2.13 लाख है, याद रखना ऊंटों की संख्या राजस्थान में कितनी है, 2.13 लाख, जिसमें से गत पशु गणना की तुलना में 34.69% की गिरावट आई है। देखो पिछली पशु गणना की तुलना में वर्तमान पशु गणना में ऊंटों की संख्या में कितनी प्रतिशत की गिरावट आई है, 34.69% की गिरावट आई है, ठीक है। इस गणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन का 0.37% ऊंट है, और ऊंटों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में पहला स्थान है, याद रखना कि गिरावट कितने प्रतिशत की आई है, 0.3% की आई है ऊंटों के अंदर, लेकिन ऊंटों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। फिर आइए राजस्थान में गत पशु गणना की तुलना में वर्तमान पशु गणना 2019 में भैंस और गायों की संख्या में वृद्धि हुई है, ये अच्छी बात है कि भैंस और गायों की संख्या में वृद्धि हुई है। अब देखिए दोस्तों, नवीनतम पशु गणना में राजस्थान में बकरियों की संख्या 2.8 करोड़ है। दोस्तों हर लाइन एक क्वेश्चन है, अच्छी तरह याद रखना आप कि बकरियों की संख्या राजस्थान में कितने करोड़ है, वर्तमान जनगणना के अनुसार 2.8 करोड़ है। फिर राजस्थान में देश के बकरी धन का 14% पाया जाता है, देश की कुल बकरी धन का राजस्थान में कितना बकरी धन पाया जाता है, 14% पाया जाता है। फिर
राजस्थान के कुल पशुधन में 36.69% बकरियां है। राजस्थान का जो टोटल पशुधन है उसमें से बकरियां कितनी है तो 36.69% है। फिर बकरियों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, पहला स्थान है, ठीक है। फिर राजस्थान में गत पशु गणना की तुलना में बकरियों की संख्या में 3.81% की कमी दर्ज की गई है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि गत पशु गणना की तुलना में वर्तमान पशु गणना में बकरियों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई है, 3.81% की कमी आई है। फिर देखिए नवीनतम पशु गणना के अनुसार राजस्थान में देश की 7.23% गायें हैं। याद रखना राजस्थान में देश की कितने प्रतिशत गायें हैं, 7.23% गायें हैं। फिर राजस्थान में गायों की संख्या 1.39 करोड़ है, कितनी है, 1.39 करोड़, जिसमें गत पशु गणना की तुलना में 4.41% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये अच्छी बात है कि पिछली पशु गणना की तुलना में वर्तमान पशु गणना में गायों की संख्या बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, 4.41% बढ़ी है, ठीक है। फिर गायों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में छठा स्थान है, कितना स्थान है, छठा स्थान है। और राजस्थान की कुल पशुधन का 24.54% गाय हैं। ये भी याद रखना कि राजस्थान का जो कुल पशुधन है उसमें गायें कितनी प्रतिशत हैं, 24.54% है। तो दोस्तों हमारे 20वीं पशु गणना का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने 20वीं पशु गणना के सारे जो आंकड़े एग्जाम की दृष्टि से आपके इंपॉर्टेंट है वो इसमें शामिल किए हैं, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।